एच। हमें यहाँ पे पहले कंपाउंड कर्व बनाना है टू लाइंस का। ये कंपाउंड कर्व बना, यहां से हमें एक ब्रॉड लाइन लेनी है 4 लाइन की। मैं यहाँ पे रुक गई तो मुझे आपको दिखाना है, ये 4 लाइन हुआ, लेकिन यहाँ से रुकना नहीं है, यहीं से तुरंत ये लूप लेना है, यहाँ जाना है, थोड़ा सा ब्रॉड जाना है, ये लूप ले, थोड़े से ब्रॉड में जाना है तो यहाँ का भी लूप आएगा। अच्छा, ये लूप और ये लूप दोनों सेम होने चाहिए। एक बार फिर से दिखाते हैं। पहले कंपाउंड का वो बनाना है, कंपाउंड का बना स्ट्रेट लाइन, ये लूप को घुमाते हुए थोड़ा ब्रॉड जाते हुए। अब ये दोनों भी विड्थ, ये दोनों की भी जो है वो सेम होना चाहिए, लूप्स भी सेम होना चाहिए, ब्रॉडनेस दोनों की सेम होनी चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार देखो फिर बनाना वापस से कंपाउंड कर्व। फोर लाइन आने के बाद टर्न, क्रॉस में जाते हुए तो ये कंपाउंड का कर्व के साथ एक और लेटर है के, सेम ऐसा ही कंपाउंड कर्व बनाना है पहले। ये ऐसे ही सेम वो ब्रॉड लाइन और ऐसे टर्न, ये हुआ। यहाँ से वो हम लोगों ने जो यूनिवर्सल लाइन बनाई थी वैसे, ये पतली यहाँ से और फिर यहाँ से थोड़ी सी गाढ़ी, यहाँ से पॉइंट देके फिर ऐसे ब्रॉड करना है, फिर वापस यहाँ से ब्रॉड लेके ये थिन लेना है। आर का जो लूप बनाया था वही सेम है। खत्म हो गई ये वाली। नीचे गई थी कुछ काम से और बुक लेने ही गई थी, सोचा बुक भी ले लूंगी, कुछ काम भी कर लूंगी, वो बुक तो मैं भूल ही गई, लेके नहीं आई, ये बुक भी शायद खत्म होने आई है। ओहो, एक ही पेज बचा है इसमें,
एच और के हो गया सी। सी में हम लोग ऐसे जो हमने ई के लिए लूप बनाया था ना, वैसे ही हम एक लूप बनाएंगे यहाँ से पतला वाला, ये लूप बना के सेम ई के जैसे ही बनाना है। ये ऐसे कर्व करके ये यहाँ से ये ऐसे, ये सी है। मुझे इसका सी जरा भी नहीं पसंद है। ये स्ट्रोक आप बाद में भी ले सकते हो अगर लंबा ज्यादा लग रहा है तो, नहीं हो रहा है और लंबा नहीं हुआ ठीक से तो आप एक्स्ट्रा ले सकते। ग्राफोथेरेपी के पैटर्न्स है वो हैंडराइटिंग के लिए भी काम आते हैं। मैं आप लोगों को भेजती हूँ ग्रुप में, तो आप लोग बच्चों को करवाइए, आपके आप खुद भी कीजिए, उनको भी बिठाइए। और अच्छा है वो, स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज है, पैटर्न्स है, कैसे करना है क्या है वो सब कुछ डिटेल उसमें दिया हुआ है। शाम को इवनिंग के 5 o'clock के पहले ही करना है आपको, सनसेट के पहले उसको। रात को फिर आप उसका प्रैक्टिस, रात को नहीं कर सकते हो आप उसका प्रैक्टिस, सनसेट के पहले ही करना है उसको। और ब्लू बॉल पेन से ही लिखना है, 7 to 10 minutes करना है। सब लिखा हुआ है, मैं पूरा ही भेज देती हूँ सब जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। और 5-5 के पैटर्न में करना है, मतलब 5-5-5 रहेगा। जैसे एक एक्सरसाइज है ये स्ट्रेस बस्टर की, इसी से बता देती हूँ। तो यहाँ से अगर चालू हो रही है तो ये 3, ये 4 लूप हुआ, ये 5, तो यहाँ पे इसको खत्म, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इधर ही खत्म कर, फिर सेकंड यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इधर से ही शुरू करना है, जो हमने स्टार्टिंग में जो शुरू किया था, एक नॉर्मल गैप रख के। तो ऐसे 5-5 के पैटर्न है, तो 5-5 के पैटर्न से ही बनाना है हमको। तो जो पैटर्न है वो एक एक पैटर्न हुआ, खत्म किया, एक पैटर्न हुआ। These designs we can use, right? designs हमें use करनी है या क्या, मतलब I didn't get it the point. ये आवाज नहीं आ रही आपकी सरिता। नहीं आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही अभी भी। वापस अनम्यूट करो, आवाज आएगी शायद। अब आ रही है, थोड़ी आ रही है, थोड़ा नजदीक आके बोलो, या तो फिर शायद ये एको हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आई वाज आस्किंग दीज पैटर्न्स हमें कैसे यूज करने हैं, मतलब वेयर टू यूज। बस ये ऐसे ही बनाने हैं, सिंगल लाइन की बुक ही लेनी है और 7 to 8, 7 to 10 minutes एवरी डे का। आप एक कोई भी टाइम फिक्स कर लो, मोस्टली हो सके तो 21 days तक आपको वो ही सेम टाइम पे ही करना है, 21 days तक करना है। नेक्स्ट है जी, जी के लिए भी ये सी के जैसा ही सेम बनाना है। पहले ऐसे ये लूप बना के ये यहाँ तक आए, सी बना, फिर यहाँ से हमको ब्रॉड लेना है, नीचे आएगा यहाँ, थोड़ा इसको और लंबा कर,
ई लिखेंगे। अभी ये ई लेटर है ना वो स्ट्रेट ही आएगा, वो स्लांट आता ही नहीं है। स्लांट लिखने जा कोशिश भी करते हैं फिर भी वो स्लांट नहीं आता है, और आ रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं आ रहा है तो वैसे भी नहीं आने वाला, चलेगा सेम सी के जैसे ही। ये किया लूप, यहाँ पे ऐसे ई लिख दो साइड में अगर आते हैं। L ये ऐसे छोड़ो, चाहे यहां से लेके इसको भी टर्न करो। विप्रिया का फेवरेट आ रहा है ओ इसमें हम इसको चार लाइन में बनाते हैं, देखते हैं जमेगा क्या। आप लोगों को हम फोर लाइन में बनाएंगे, ठीक है 1 2 3 4। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे फ्लैट लेते हुए, अभी ये कैसे मेरा थोड़ा सीधा हो गया, सीधा नहीं बना है, थोड़ा सा स्लांट में बना है। एक और ओ है इसमें, दो का शायद एक और पैटर्न है, दो पैटर्न है ओ, तीन तरीके से बनाते हैं इसमें, चार तरीके हैं ओ बनाने के। पहले क्यू सीख लेते हैं क्योंकि क्यू सिंपल है, ठीक है फिर ओ के दूसरे पैटर्न और सीखते हैं। ये ओ जो है ऐसा ही सेम ओ बनाना है, slightly move your notebook। ये ओ हुआ और बस खाली यहाँ से हम लोगों को कंपाउंड कर्व बनाना है, तो ये उल्टा मतलब है कंपाउंड कर्व ही, देख रहे हैं आप स्लांट कंपाउंड आएगा। ये यहाँ से चालू किया ब्रॉड किया और ये कंपाउंड कब आएगा यहाँ पे नीचे की तरफ।
थोड़ा नीचे लेना है, एक बार फिर से दिखा रहे हैं, इसी में दिखा देते हैं। ये ऐसे मत, ऐसे नहीं लेना, ये ऐसे स्ट्रेट वाला कंपाउंड कर्व नहीं लेना, नीचे की तरफ लेना है। यहाँ से शुरू करो ब्रॉड, अभी वो दिखा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, हार्ड है थोड़ा सा लेकिन आ जाएगा। ओ लाइन को दिमाग में रखना है, मतलब ये फाइव डॉट करोगे, अभी ये लाइन हो गई फोर, तो हम वन एंड हाफ लाइन से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक ऐसा लूप बनाना है, ये ओ ही जो बना रहे वही ओ, यहाँ से ये लेना है, फिर यहाँ से ऊपर से आना है, एक यहाँ लूप बनाना है और फिर यहाँ फ्लैट करके बहुत धीरे बताया मैंने, फिर से बताऊंगी एक बार। यहाँ से ये लूप एस, उल्टा एस बनाया, यहाँ से ये अपना नॉर्मल जो हम बनाते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड बनाना इसको, यहाँ से लेके यहाँ पे एक लूप बनाना है, फिर यहाँ से फ्लैट करके ऐसे, आप प्लीज है ना अल्फाबेट्स का एक वीडियो बना के भेजिएगा ना, दैट विल बी मोर हेल्पफुल, बिकॉज़ व्हाट विल हैपन कि रिकॉर्डिंग हमको हर डे की खोलने ओपन करके देखना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है मैं देखती हूँ वीडियो बना के भेजूंगी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। फॉक्स का जरूरत नहीं है, वो तो इजी है। नहीं नहीं ओनली ब्रश कैलीग्राफी मैम, ओनली ब्रश कैलीग्राफी, फॉक्स का पूरा समझ में आता, ब्रश में ही सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा वो दिखाऊं, तीसरा, ये दो तो हो गए, तीसरा थोड़ा इजी है। इसमें आपको यहां से ही शुरू, जैसे हम शुरू करते हैं वही शुरू ही करना है, सेम यही पैटर्न, यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा ब्रॉड लेना है और यहाँ से टर्न कर, बस
ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया। और एक कैसा है नंबर टू के जैसा, ये वो तो यार लिखना भी मत कभी, समझ में नहीं आता, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ इसमें है, इसके लिए लगेगा ही नहीं कि वो लिखा है। वन एंड हाफ लाइन के यहाँ से वो जो फ्लैट हम लोग जो ले रहे थे वैसा फ्लैट लेना है। ये भी वही है, तो चार तरीके हो गए वर्ण। टू थ्री ये वाला फिर से एक बार दिखा देते हैं। अभी सिंपल ए है, स्टार्टिंग में हमने एक ए बनाया था, ये एक और ए है, ये अपना जो हम लोग जो अंडर कर्व बना रहे हैं ना वैसा ही, अंडर नहीं ओवर कर्व, ओवर स्ट्रोक जो बनाया हमने, तो ये फोर लाइन ही होगा मतलब फाइव लाइन जैसे। यहाँ पे हल्का सा एक लूप लेना है और एक स्लांट लाइन, इसको घुमाते हुए ब्रॉड लाइन। अब लूप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लाइन के लिए यहाँ से हम लोग एक लूप क्रिएट करेंगे, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे ही छोड़ दो, दोनों भी बता देते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हुए स्लांट लाइन नीचे आना है, ब्रॉड लाइन, यहाँ से एक लूप बनाना है, ऐसे भी छोड़ सकते हो ऐसे भी कर्व भी कर सकते हो। एम और एन देख लेते हैं फिर आज का क्लास खत्म करने में, तो फिर बहुत बर्डन हो जाएगा। एम और एन भी दो तीन तरीके से है, पहले मैं एन बता रही हूँ एन, ठीक है यहाँ पे लिख लो आप एन, क्योंकि एन और एम में ऑलवेज ऑलवेज कंफ्यूजिंग रहता है, तो आप एन लिख लो। सेम स्ट्रोक ए के जैसा ही राउंड घुमा के स्लांट लाइन, ये हुआ यहाँ से वो, सॉरी यार ये रंग हो गया, सेम ये जो ए के लिए बनाया था सेम लुक, तो यहाँ से जाते हुए हमें ये एन बनाना है। ये लगेगा एम के जैसा है ना, लेकिन ये एम नहीं है, क्योंकि एम में ऐसे ब्रॉड तीन आई है, ये आपका लूप है डिजाइनिंग का, ये एन है, ये एन की लाइन और ये एन, ऐसा एन बना।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एन हो गया आपका। एन का एक और है, दिखा देते हैं। सेम आप जो ये फोर लाइन का आप लोगे इसमें भी, सेम जो ए वाला लूप बनाया था हमने स्लैंट लाइन का, तो फिर ये ऐसे बनाया था, फिर यहाँ से वापस ऊपर ये लाइन जाएगी प्लेन, और ये यहाँ पे था कंपाउंड कर्व जैसा। लेकिन ये जो है ना थोड़ा और ऊपर तक जाना चाहिए, ये सेम लाइन में नहीं रहना चाहिए। बताते हैं, ये ऐसे ऊपर तक जाके सर्कल, एक लाइन ऊपर जाएगा इस तरह। ठीक है, अभी एम एम लिखते हैं। एम के लिए हम लोग कितनी लाइन लेंगे? सिक्स लाइंस लेंगे, सिक्स इंटेंट सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन लोगे तो आप सिक्स लाइन होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जो हमारे चार लाइन का जो हमारा जो लूप है ये वाला जो हम बना रहे हैं वो ही सेम यहां से बना रहे हैं, स्लैंट लाइन वापस लूप, ये हो गया। अब यहां से ये दो लाइन लेना है ऊपर और ये दो लाइन नीचे, एक लूप है। अब यहां से ये लेना है और ये नीचे की तरफ आएगा, तो फिर यहां से उसको टर्न करते हुए, सॉरी ये आपको फिर से दिखाते हुए, समझ में आया ना? वैसे वैसे तो लाइन के हिसाब से चलोगे तो आपको बराबर आ ही जाएगा। ये जो हमारा नॉर्मल लूप है वो नॉर्मल लूप लेना है फोर लाइन का, फिर यहाँ से ऊपर जाना है टू लाइन, और फिर वापस फोर लाइन का एक और कर्व। ये आपका है एम। आज तक के जो भी है कुछ डाउट तो ये है, ऐसा कुछ करके दिखाना है। ठीक है, मैं वीडियो तो अभी आप लोग के लिए बनाऊंगी, इतना बड़ा वीडियो नहीं होगा तो शायद टू पार्ट्स में बनाऊंगी। वीडियो विल बी हेल्पफुल, उसके बाद ही मुझे लग रहा प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाएगा। हाँ, फिर भी बना लिया ना आपने एक बार तो? हाँ, बना लिया मैम। आ जाएगा अभी आपको एक, आज आपका सेकेंड डे ही है। देखो ये कितना बड़ा बना दिया आपने, लूप टाइट लाइंस का बना दिया एम का। ये आपका एम अच्छा ही तो आया, एन भी अच्छा है, ए भी अच्छा है, एन भी अच्छा है। सरिता आपका ये एम रॉन्ग हो गया ना प्रिया। चार चार ऊपर आएगा, चार नीचे आएगा, आपने नीचे वाला फिर से छोटा बना दिया। सेकंड वाला भी रॉन्ग है? हाँ, क्योंकि ऊपर चार है और नीचे दो ही है। ओके, नीचे वाला लूप भी चार तक आएगा। Is it okay अगर हम starting में जैसे मेरा pan उठता है एक बार अगर बड़े पूरे capital में, that's okay? जैसे अभी जो n ये m बना रहे हैं मुझे एक बार pan उठाना पड़ता है, is it okay for in starting? हाँ हाँ चलेगा,
उठा के फिर से उसको ही कंटिन्यू कर लो। हाँ उसी पे कंटिन्यू हो रहा है लेकिन वो उठ रहा है मेरे से। हाँ उठ जा रहा है, उठेगा। आपको अभी तक 2 ही दिन हुआ है ब्रश हाथ में देखे। मैं तो ये सबको यही बोलती हूँ कि रोटी बनाने, रोटी हम थोड़ी सीख पाते एक दिन में। तेरा वो बहुत वो दूसरे वाले सेकंड थर्ड पैटर्न बहुत गड़बड़ आया है विद प्रैक्टिस। कौन सा? ओ का सेकंड और थर्ड पैटर्न। हाँ वो तो ये इनका अभी किसी किसी का तो पहला ही नहीं बनता। मैंने कितना प्रैक्टिस किया, बाप रे बाप, वो मेरे से भी नहीं बनता था पहले। बना है बट हाँ मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन। कि वो हो जाता है पैटर्न जैसे जैसे अपने हैंड मूवमेंट्स होते हैं ना, तो हो जाएगा। टुडे हैंड इज मूविंग, यस्टरडे तो वो हाथ ही मूव नहीं हो रहा था। हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, जैसे जैसे आप इसका ऐसे पकड़ने की प्रैक्टिस करोगे ऐसे अभी वीकेंड टारगेट यू हैड गिवन अ वीकेंड टारगेट कि वीकेंड यू हाँ वीकेंड में आप मतलब जो अभी मैं फोटोज वगैरह भेजूंगी उससे आप प्रैक्टिस तो करो। मैं वीडियो का अभी मैं आज तो जैसे फ्राइडे है तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं रहेगा, पूजा वगैरह रहती है मेरी, पता नहीं अब रात को अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं थोड़ा थोड़ा बना दूंगी, पूरा करती हूँ वीडियो। आज तो मेरा भी नहीं होगा प्रैक्टिस बिकॉज टुडे इज दैट चौथ। हाँ वही चौथ का ही पूजा रहता है, तिल चौथ है ना। तिल चौथ अभी ठीक है, लेकिन ये एक ब्रॉड हो गया, एक थिन हो गया, दोनों सेम आना चाहिए। तो अभी भेज दीजिएगा मतलब थोड़ी देर में जब भी पॉसिबल हो। करो ना यूज, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। आदत पड़ी हुई है ना, मालूम कोई भी चीज भेजते हैं तो वो लोगो डाल के भेजने की आदत पड़ी हुई, तो वो हाथों हाथ फोटो मेरे पहले के खींचे हुए नहीं है ना इसके लिए। ओके मैम बाय। या चलो हैप्पी फास्टिंग। या बाय, सी यू।